हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर, पीएम मोदी लाइव आए सुबह 9 बजे। तो क्या कहा उन्होंने अपने भाषण में, क्या कहा उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए, तो सबसे बड़ी खबर आप स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। किसानों के आगे झुकी सरकार, किस पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कृषि कानून के लिए जो भी इतने दिनों से आप आंदोलन देख रहे हैं, जो चल रहा है, तो उसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो कृषि कानून को लेकर करीब साल भर के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व के मौके पर संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो किसानों के लिए कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का मौका है और ऐसे में पंजाब के किसानों के लिए ये दिन ऐतिहासिक रहेगा। पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को भी पूरा कर देंगे। तो और क्या कहा पीएम मोदी ने, देख लेते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एक वर्ग को समझाने में नाकामयाब रही है। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसान के प्रति संपूर्ण भाव से, के नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध कानून के हित की बात, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इस महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और सही बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग थी कि देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। तो ये थी आप लोग के लिए अपडेट। आपको क्या लगता है, ये क्या सच में क्या सही फैसला है, या कृषि कानून सही थे, या कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सही है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है अब, कि वोट आने से पहले, इन कृषि वोट डलने से पहले जो वोटिंग आ रही है, अभी काफी सारे राज्यों में अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे कुछ ही महीनों में, उससे पहले इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। तो आपकी क्या राय है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।